नमस्कार, आप सबका स्वागत है नवोदय फैमिली में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना बेहतर से बेहतर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपको नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों की सफलता भरी कहानी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए नवोदय विद्यालय के सक्सेस स्टोरी की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी जिन्होंने नवोदय विद्यालय और अपना स्वयं का नाम देश में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर रोशन किया है, धीरज सिंह। जी हाँ, धीरज सिंह का जन्म 4 जुलाई 2000 को मणिपुर भारत में हुआ था। वे एक पेशेवर भारतीय फुटबॉलर हैं। उनका कद 5 फीट 9 इंच है। धीरज सिंह ने अपनी प्राथमिक और मध्यमिक शिक्षा अपने गृह नगर मणिपुर के विद्यालय जवाहर नवोदय चूरा चांदपुर से की है। वे अंडर 17 में भारत के लिए चुने गए और वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप में भाग लिया जो कि भारत में हुआ था। धीरज सिंह गोलकीपर के रूप में अपनी टीम की पहली पसंद थे और भारत द्वारा खेले गए सभी मैचों का हिस्सा बने थे। फिर उन्हें 23 के तहत भारत में चुना गया जबकि वह वहां पर शामिल होने और अंडर 21 भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने के लिए गए थे। धीरज सिंह ने 2020 एशियन कप अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए खुद को भारत के पहले गोलकीपर पसंद बनने के लिए तैयार किया था। उन्होंने 2018-2019 आईसीआई सीजन में केरल ब्लास्टर एएफसी के साथ शानदार सीजन के बाद टीम में अपना स्थान हासिल कर लिया था। धीरज सिंह ने 2019 एशियन कप अंडर 23 चैंपियनशिप क्वालिफायर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में ओपोनेंट टीम कतर अंडर 23 के साथ अपनी शुरुआत की। उन्होंने क्लब के लिए अपना पहला मैच 29 सितंबर 2018 को एटीके के खिलाफ सुपर लीग सीजन के शुरुआती मैच में खेला जो ब्लास्टर के लिए 0-2 पर समाप्त हुआ। उन्होंने क्लब के साथ 13 लीग मैच और एक सुपर कप मैच भी खेला था। वे पूरे अभियान में एटीके के लिए सिर्फ एक मैच खेले क्योंकि उन्हें 22 फरवरी 2020 को बेंगलुरु एएफसी के खिलाफ मैच के लिए लाइनअप में रखा गया था जो 2-2 पर समाप्त हुआ था। उन्होंने प्यूमा के साथ एक फुटबॉल प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। आपको बता दें 15 जनवरी 2021 को यह घोषणा की गई कि धीरज ने गोवा के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन्होंने 29 नवंबर को एसीसी पूर्व बंगाल के खिलाफ गोवा के लिए अपनी शुरुआत की। हम धीरज सिंह को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वे भविष्य में भी विद्यालय का, भारत का और खुद का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। We congratulate him for him success and wish him lots for the future. Don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching.